Hello all, welcome to Success Journey. BPSC A, assignment number 1, 2019, paper 6 में आप सभी का स्वागत है. पेपर 5 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. पेपर 6 को हम लोग देखते हैं क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन अ हाउस वाटर कनेक्शन. हाउस वाटर कनेक्शन में करेक्ट सीक्वेंस क्या है. देखिए, ये इसमें कुछ खास नहीं है, आपको कैसे याद रखना है वो देखिए. मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ. देखिए, ये वाटर सप्लाई जो म्यूनसिपल का होता है, वहाँ से वाटर आपके घर तक जो पहुँचता है, ये उसके पाथवे में कौन सा पहले आता है, ये आपको यहाँ पे डिनोट करना है. सिर्फ आपको बताना है, ठीक है. फ्यूरल पहले आता है, उसके बाद आता है ये, यहाँ पे वाटर मेन्स है, जो मीन्स पाइपलाइन है वाटर सप्लाई का, म्यूनसिपल का, वो पहले आता है. फ्यूरल आता है, फिर आता है गोसनेक, फिर आता है सर्विस पाइप, फिर आता है वॉल, फिर आता है मीटर. ये आपका ये मीटर है, ठीक है. उससे पहले आता है स्टॉप कॉक, बस इसी को आपको यहाँ पे अरेंज कर देना है. तो आंसर हो जाएगा इसमें फ्यूरियल, ग्रॉसनेक, सर्विस पाइप, स्टॉप कॉक एंड देन वाटर मीटर. नेक्स्ट है द मास कर्व मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर. मास कर्व क्या होता है? रेनफॉल, अक्यूमुलेटेड रेनफॉल इन क्रॉनिकल ऑर्डर. यहाँ पे रेनफॉल है अक्यूमुलेटेड, और यहाँ पे टाइम जो चार्ट बनता है, जनरली वेइंग बकेट टाइप जो रेन गेज स्टेशन होता है, वो ऐसे ही मेजर करता है. वो कैसे, उसका हम कैसे यूज करते हैं कैपेसिटी फाइंड करने के लिए, किसका? रिजर्वायर का. तो उसमें हम क्या करते हैं, वाटर इनफ्लो डेटा यूज करते हैं और उसका वाटर डिमांड डेटा यूज करते हैं. इन दोनों को यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर, कि रिजर्वायर की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग एम्पिरिकल फॉर्मूला नेम फॉर कंप्यूटिंग द पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज. किसका नेम गलत है यहाँ पे, ठीक है. रायबे फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है. रायबे फॉर्मूला से क्वेश्चन एक बार बहुत बार आता है कि रायबे फॉर्मूला का फैक्टर क्या है. तो रायबे फॉर्मूला क्या कहता है, ये किसके लिए है, पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज का. ये आप याद रखिएगा. तो रायबे फॉर्मूला क्या कहता है, क्यूपी इज इक्वल टू सी आर ए रेज टू पावर 2/3. तो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि ए का पावर कितना होता है, कैचमेंट एरिया का पावर कितना होता है, 2/3. सिमिलर डिकेंस फॉर्मूला भी यूज होता है. डिकेंस फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला होता है, सी डी इंटू ए रेज टू पावर 3/4. ये फैक्टर आपको जरूर याद रखना है कि अगर डिकेंस फॉर्मूला यूज है तो कई बार पूछते हैं कि कैचमेंट एरिया का पावर क्या होता है. तो डिकेंस फॉर्मूला में 3/4, रायबे फॉर्मूला में 2/3, ये दोनों यूज होते हैं. और बाकी और कौन सा फॉर्मूला है, इंग्लिश फॉर्मूला भी है. इंग्लिश फॉर्मूला है तो इंग्लिश फॉर्मूला जिसमें तो नाम है नहीं, तो रह गया सवाल कि कौन सा नहीं है. तो ये भी है, नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला जो है, ये डेक्कन रीजन के लिए उन्होंने दिया था कि आप पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज निकाल सकते हैं. ऑप्शन ए इज द रॉन्ग वन, ठीक है. ये फॉर्मूला, मतलब ये मेथड जो इनका जो मेथड है, वो पीक डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए फाइंड नहीं किया जाता. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक फॉर्मूला. याद रखिए यहाँ पे क्या, हाइड्रोलिक फॉर्मूला फॉर्मूले इज नॉट यूज फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लो वेलोसिटी इन सीवर एंड ड्रेन्स. कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं होता है, ठीक है. तो देखिए, मैं आपको सारे फॉर्मूला के एक बार फटाफट नाम बता देता हूँ. सीवर ड्रेन में चेजीज फॉर्मूला यूज होता है, चेजीज. नेक्स्ट है कुटर्स फॉर्मूला, जो चेजीज का ही एक्सटेंशन है. उसके बाद है ब्रेजाइन फॉर्मूला, ब्रेजाइन फॉर्मूला यूज होता है. मैनिंग्स फॉर्मूला यूज होता है, और क्रिम्सन बर्ग फॉर्मूला यूज होता है. तो कुटर्स हो गया, क्रिम्सन बर्ग्स हो गया, हॉर्टन फॉर्मूला यूज नहीं होता है. हॉर्टन होता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के लिए. तो ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पूछा है नॉट यूज. नेक्स्ट है ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट, ट्रिकलिंग फिल्टर हमने पढ़ा था. ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, जिसमें स्प्रिंकल करके सीवेज को हम स्प्रेड करते हैं और ग्रेवल पे या सैंड पे, और फिर उसको डिकम्पोज किया जाता है एनारोबिक रिएक्शन से. कंसिस्ट ऑफ ए बेड ऑफ क्रस्ट स्टोन ग्रेबल ऑफ स्लैग रिलेटिवली लार्ज साइज, राइट. एज सीवेज पासेस थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर एंड ऑर्गेनिक फिल्म इज फॉर्म्ड अराउंड द पार्टिकल ऑफ द फिल्टरिंग मीडिया. ऐसे डिकम्पोज होता है, एक बार हमने सीवेज को स्प्रेड कर दिया तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है या बैक्टीरिया है, वो डिकम्पोज करता जाता है, ईट करता है, और फाइनली सीवेज हमें नीचे ड्रेन की तरह मिल जाता है क्लीन होके, ठीक है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. फिफ्थ का हो जाएगा डी. जनरली पूछता है इसमें कि ट्रिकलिंग फिल्टर का डेप्थ कितना होता है, तो 25 to 75 mm डेप्थ होता है. और क्या याद रखना है आपको, कि कोर्सर मटेरियल बॉटम में होता है और जैसे जैसे ऊपर आते हैं हम फाइनर मटेरियल आता जाता है, ठीक है. और डेप्थ होता है 2 to 3 meters, क्योंकि डेप्थ से भी क्वेश्चन आया हुआ है. ट्रिकलिंग फिल्टर का डेप्थ कितना होता है, 2 to 3 meters, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ क्वेश्चन इसमें अलग भी आया हुआ था, ये देखते हैं क्या है. देखते हैं,
इन अ टू चैम्बर सेप्टिक टैंक देखिए, सेप्टिक टैंक क्या है, आप सभी लोग ने सेप्टिक टैंक एक बार जरूर देखा होगा आज तक। सेप्टिक टैंक में बेसिकली रूरल एरियाज में यूज करते थे किसके लिए, जो टॉयलेट से वेस्ट निकलता है उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो सेप्टिक टैंक में क्या होता है, दो चैम्बर होते हैं और यहाँ से ये बिल्कुल एनारोबिक होता है, कंप्लीटली पैक्ड होता है, यहाँ पे स्पेस होता है। मान लो यहाँ से इनपुट आया तो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेटल डाउन होना शुरू हुआ और इसके अंदर जो बैक्टीरिया है एक दूसरे को ईट करने लगेंगे और ये धीरे धीरे इसका अमाउंट कम होता चला जाएगा। और यहाँ पे जो स्कम फॉर्म होता है, स्कम यहाँ पे लास्ट में क्या बचता है, स्लश, और ऊपर क्या होता है, स्कम। तो ये स्कम पूरे में स्प्रेड होता है, फाइनली ये इस चैम्बर में आता है और वाटर यहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर आएगा वो यहाँ से आउटलेट आएगा। तो इसमें क्या है, एक ही चैम्बर में सारा काम हो रहा है, इसमें दो चैम्बर नहीं है, टू चैम्बर का भी कोई सीन नहीं है, कोई स्टोरी भी नहीं है। टू स्टोरी सेप्टिक टैंक को क्या कहते हैं, टू स्टोरीड सेप्टिक टैंक भी होता है जिसको हमने पढ़ा है क्या, इमहॉफ कोन टैंक, इमहॉफ कोन टैंक जिसको हम बोलते हैं टू स्टोरी सेप्टिक टैंक। ठीक है, एक में होता है सेडिमेंटेशन और दूसरे में डिकम्पोजिशन। तो ये भी आंसर गलत हो गया कि नहीं, टू स्टोरी है। लास्ट है, मॉडर्न सेप्टिक टैंक पजेस अ सेल्फ ट्रेनिंग प्रॉपर्टी, इट इज राइट। जो आजकल के आते हैं, अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सेप्टिक टैंक में आपको जनरली 6 महीने से लेकर 3 साल के बीच में इस स्लज को और इस स्कम को क्लीन करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ये सर्विस फंक्शन सर्व नहीं करेगा। तो आजकल जो आ रहे हैं जो मॉडर्न में, वो सेप्टिक टैंक सेल्फ क्लीनिंग होते हैं, मतलब ये स्लज रिमूव करने की और ये स्कम रिमूव करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होता है कि ऐसा मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस पे वाटर का प्रेशर लग रहा है और वाटर का प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। तो यही शेप हो जाएगा किसका, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम, क्योंकि इसको रेसिस्ट करना है तो ग्रेविटी डैम का भी प्रोफाइल यही हो जाएगा। तो ये कैसा होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ कलवर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेस देन 6 मीटर हो, लेस देन 6 मीटर तो कलवर्ट बोलते हैं, किसी ब्रिज का स्पैन अगर लेस देन 6 मीटर हो तो उसे कलवर्ट बोलते हैं। 30 to 60 मीटर के बीच में हो तो माइनर ब्रिज बोलते हैं, माइनर। और अगर 60 to 120 हो, 60 to 120 मीटर के बीच में हो तो इसको बोलते हैं मेजर ब्रिज, और अगर ग्रेटर देन 120 मीटर हो तो इसको बोलते हैं लॉन्ग स्पैन ब्रिज। तो स्पैन ऑफ द ब्रिज से कैटेगरी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता रहता है। तो कलवर्ट क्या है, अ ब्रिज ऑफ स्पैन अप टू 6 मीटर, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन, अ वियर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि वियर और वेराज क्या होता है, डाइवर्जन हेडवर्क में काम आता है, जहां पे हमें रिवर को डाइवर्ट करना होता है कैनाल के लिए, वहां पे हम वियर और बैराज को बनाते हैं। तो वियर में क्या होता है, हम परमानेंट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और बैराज में हम गेट लगाते हैं, बस दोनों में फर्क यही है, वही यहाँ पे क्लियरली बोला है कि वियर में मेजोरिटी पोर्शन जो है वो पॉन्डिंग कैसे अचीव होता है, रेज्ड कर्व से, और थोड़ा या फिर नील पोर्शन शटर से होता है। तो ये सही है वियर के लिए। सिमिलरली ये अवियर इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मेड बाय कंस्ट्रक्टिंग विड्थ ऑफ द चैनल ओनली, नहीं। बैराज इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाय क्रिएटिंग चॉकिंग कंडीशन, नहीं। बैराज इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर मेजोरिटी और द इंटायर पॉन्डिंग इज अचीव बाय शटर, राइट, और नील पार्ट बाय द क्रेस्ट। सो पी एंड एस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज सिल्ट एक्सक्लूडर एंड आर कंस्ट्रक्टेड वाइल सिल्ट इजेक्टर आर कंस्ट्रक्टेड। अब देखते हैं एक बार कि सिल्ट एक्सक्लूडर एंड सिल्ट इजेक्टर क्या है, सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर क्या, ये मैंने आपको डायग्राम पहले भी दिखाया था। देखिए ये एक मेन रिवर का डायग्राम है, यहाँ से रिवर ऐसे पास हो रहा है, यहाँ से हम ऑफ टेकिंग कैनाल निकाल रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे ऑफ टेकिंग कैनाल आता है तो यहाँ पे क्या आता है, कैनाल हेड रेगुलेटर। क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि कैनाल हेड रेगुलेटर कहाँ पे होता है, ऑफ टेकिंग कैनाल में होता है या रिवर में होता है। रिवर में क्या होता है, क्रॉस रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, इसका नाम ही है रेगुलेटर, मतलब ये डिस्चार्ज को कंट्रोल करेगा, चाहे वो क्रॉस हो चाहे हेड रेगुलेटर हो। तो कैनाल हेड रेगुलेटर हमेशा कैनाल ऑफ टेकिंग कैनाल पे होता है और क्रॉस रेगुलेटर रिवर पे होता है। यहाँ पे वियर या बैराज कंस्ट्रक्ट किया जाता है वाटर लेवल को रेज करने के लिए। तो सिल्ट एक्सक्लूडर हमेशा पहले आता है, मतलब अपस्ट्रीम साइड ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर ऑन द बेड ऑफ द रिवर। इसी तरह से याद रखिए इसको, सिल्ट एक्सक्लूडर इज सिचुएटेड ऑन द बेड ऑफ द रिवर एंड इट इज सिचुएटेड इन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर। इसका काम क्या है कि सिल्ट को एंट्री, सिल्ट की एंट्री यहाँ से रोकेगा और सिर्फ क्लियर वाटर यहाँ पे एंट्री करेगा। और एक बार अगर मान लो कोई वाटर यहाँ से आया और अगर सिल्ट एंट्री कर गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिल्ट इजेक्टर लगाते हैं, इजेक्टर, इजेक्टर। इजेक्टर हमेशा अच्छा फंक्शन करता है एक्सक्लूडर के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे वाटर
जो प्रोफाइल है वो जनरली स्मूथ होती है, नॉर्मल होता है, मतलब वेव कम होता है। यहाँ पर होता है इजेक्टर, इजेक्टर या फिर एक्सट्रैक्टर, दोनों चीज समझ जाइए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड, अभी आप समझ गए सिल्ट एक्सक्लूडर जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अपस्ट्रीम साइड ऑफ द हेड रेगुलेटर ऑन द बेड ऑफ द कैनाल, तो ऑन जाएगा ऑन द रिवर बेड, राइट। और सिल्ट इजेक्टर कहाँ होता है, बेड लेवल ऑफ कैनाल, तो ये रिवर बेड पे हो गया सिल्ट एक्सक्लूडर एंड ऑन द डाइवर्जन हेडवर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द बेड ऑफ द ऑफ टेकिंग कैनाल, नहीं ऑन द बेड ऑफ द ऑफ टेकिंग कैनाल भी नहीं, ऑन द रिवर बेड, ऑन द बेड ऑफ द ऑफ टेकिंग कैनाल, सो आंसर बी विल बी द राइट वन, क्योंकि जो सिल्ट एक्सक्लूडर है वो बेड लेवल है रिवर बेड पे और सिल्ट इजेक्टर होता है बेड लेवल ऑफ ऑफ टेकिंग कैनाल, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अ डिस्चार्ज दैट इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड विद इन लिमिट, तीन टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, तीन टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, पहला होता है नॉन मॉड्यूलर, दूसरा होता है सेमी मॉड्यूलर या फिर जिसे हम फ्लेक्सिबल मॉड्यूल बोलते हैं या फिर आउटलेट भी इसका दूसरा नाम है, तीसरा है रिजिड मॉड्यूल या फिर मॉड्यूलर आउटलेट, दोनों ही नाम है। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा है, देखिए तीनों में फर्क क्या है, नॉन मॉड्यूलर में जो हेड की वैल्यू मतलब जो डिस्चार्ज आने वाला है वो दोनों चीज पर डिपेंड करता है, मतलब हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर पे भी डिपेंड करता है और हेड ऑफ द वाटर कोर्स पे भी डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं नॉन मॉड्यूलर, ठीक है। इसमें दोनों पे डिपेंड करेगा, कितना वाटर लेवल प्रेजेंट है डिस्ट्रीब्यूटरी में और वाटर कोर्स, दोनों में डिपेंड करता है। सिमिलरली सेमी मॉड्यूल क्या होता है या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, डिस्ट्रीब्यूटरी पे, ऑनली ओनली डिस्ट्रीब्यूटरी में जितना वाटर लेवल उस पर डिपेंड करता है और वाटर कोर्स में जितना पानी है उस पर डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली मॉड्यूलर या फिर रिजिड, इसका दूसरा नाम है रिजिड मॉड्यूल, ये इन दोनों का, इसका डिस्चार्ज हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑफ देम, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो चाहे वाटर कोर्स हो, इससे डिपेंडेंट नहीं करता, चाहे उसमें कोई भी वाटर लेवल हो, इसमें डिस्चार्ज हमेशा आपको सेम मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए कौन सा है, गिब्स मॉड्यूल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है गिब्स मॉड्यूल, दूसरा है खन्ना मॉड्यूल, ये दोनों आते हैं रिजिड मॉड्यूल में, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज बेड बार्स, बेड बार क्या होता है, देखिए बेड बार जनरली इसको कहते हैं प्रोफाइल बार, प्रोफाइल वॉल भी कहते हैं इसको, ये क्या होता है, दे आर कंस्ट्रक्टेड एट द सुटेबल इंटरवल, बेसिकली मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये हमेशा कुछ कुछ डिस्टेंस पे कैनाल पे लगाया जाता है, ऑनलाइन कैनाल में बेसिकली, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, परमानेंट रेफरेंस पॉइंट मार्क करने के लिए, मतलब कहाँ से कैनाल का अलाइनमेंट कहाँ से जाएगा और कैनाल का बेड लेवल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं आपको एक बार पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए ये वीर और बैराज का पिक्चर है जो हमने डिस्कस किया, ये देखिए ये है बेड बार्स का पिक्चर, बेड बार्स ये है ओरिजिनली, ये बेड बार किसका बना होता है, मैसोनरी का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेड लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट है, एज्यूमिंग 80% एफिशिएंसी, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज है, 100 मीटर का डिजाइन हेड है, अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड, देखिए बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रो या फिर हाइड्रोलिक पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू इंटू एच, डब्ल्यू यहां पे क्या है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक और इसको हम डिनोट करते हैं रो क्यू और एच से, बस यहां पे रो की वैल्यू कितनी है 9.81 वाटर के लिए, इंटू यहां पे डिस्चार्ज दिया हुआ है 100 और 100 दिया हुआ है हेड की वैल्यू और एफिशिएंसी दिया हुआ, तो एफिशिएंसी को भी हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इसको फाइनली फाइंड करेंगे तो ये अबाउट पूछा है तो 80,000 वॉट के बराबर आएगा, ठीक है, सॉरी किलो वॉट, ये फॉर्मूला आता है किलो वॉट में, अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे वॉट में तो ये वॉट में आएगा 8 × 10⁻⁷ जो कि सी ऑप्शन को मैच कर रहा है, इतना वॉट, ये आंसर हमेशा किसमें देता है किलो वॉट में, किलो वॉट के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 80,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो ये आ गया आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी परसेंट ऑफ द अर्थ अर्दन डैम फेलियर, मतलब अर्दन डैम की फेलियर क्या है परसेंटेज है, तो फेलियर अर्दन डैम जो फेल होता है जनरली वो इन्हीं तीन कारणों से होता है, कुछ होता है हाइड्रोलिक फेलियर, कुछ डैम्स होते हैं सीपेज फेलियर की वजह से और कुछ होता है स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से, तो पूछा जाए कि अर्दन डैम के टोटल में से कितने कितने परसेंटेज के कौन कौन से फेल होते हैं, तो देखिए हाइड्रोलिक फेलियर जनरली हाइड्रोलिक फेलियर से ओवर टॉपिंग हो गया, इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस हो गया, क्रैक हो गया ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन, ये सब हो गया हाइड्रोलिक फेलियर के अंदर, तो इसके अंदर आता है 40% ऑफ अर्दन डैम फेल होता है हाइड्रोलिक की वजह से,
और 33% मतलब 1/3 ऑफ द हेड अर्थन डैम इज फेल्ड बाई सीपेज फेलियर, जिसमें कि पाइपिंग वगैरह होता है, पाइपिंग फाउंडेशन से या फिर अर्थन डैम से हो जाए। और 25% किसके थ्रू होता है? स्ट्रक्चरल फेलियर। स्ट्रक्चरल फेलियर में आता है सीयर फेलियर, जैसे स्लाइडिंग। तो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा है, तो इसमें चार ऑप्शन है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है बी, द ड्रेन फ्लोर फ्लोज बिलो द कैनाल। देखिए क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको समझाया था पीछे भी, चार अरेंजमेंट हो सकते हैं। जब भी कैनाल ड्रेन को क्रॉस करता है तो ड्रेन या तो कैनाल या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, दो ही कंडीशन बनते हैं, या तो कैनाल ऊपर है या कैनाल नीचे है ड्रेन के। तो अगर कैनाल ऊपर है ड्रेन के तो उसको हम बोलेंगे एक्वाडक्ट या फिर साइफन एक्वाडक्ट, बस ये सिंपल है। यहाँ पे द ड्रेन फ्लोज बिलो, बिलो मतलब कैनाल ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे एक्वाडक्ट एंड साइफन एक्वाडक्ट, और अगर ड्रेन ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रेन सॉरी एंड ड्रेन फ्लोज अबव द कैनाल। तो ड्रेन ऊपर चला गया इसमें, तो ड्रेन अगर ऊपर है तो क्या कहलाएगा, सुपर पैसेजन साइफोन। साइफोनिक एक्शन क्या है कि अगर फ्लोर लेवल जो ऊपर आ रहा है उसका फ्लोर लेवल नीचे वाले के फुल लेवल से अगर नीचे आ रहा है तो साइफन आता है, चाहे वो साइफन एक्वाडक्ट हो चाहे कैनाल साइफन या फिर साइफन हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। मेरी पिछले वाले वीडियो देखिए, मैंने डायग्राम से अच्छी तरह समझा रखा है। नेक्स्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ मॉड्यूल इज डिफाइंड एज। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, तो सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेशियो, दो चीजों का रेशियो होता है, किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट, आउटलेट पे जितना डिस्चार्ज मिल रहा है उसका रेट, डिवाइड बाई डी क्यू मतलब डी क्यू एट आउटलेट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी पे जो डिस्चार्ज चेंज हो रहा है उसका रेट। तो ऑप्शन ए, आउटलेट डिस्चार्ज डिवाइड बाई डिस्ट्रीब्यूटरी डिस्चार्ज का रेट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जीरो किसके लिए होता है, रिजिड मॉड्यूल के लिए। ये भी याद रखिए कि रिजिड मॉड्यूल के लिए हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होता है, क्योंकि उसके लिए इन दोनों फैक्टर का कोई मीनिंग नहीं है, उसके लिए डिस्चार्ज का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, इसका फैक्टर दो जगह पे इफेक्ट करेगा, सेमी मॉड्यूल जो सेमी रिजिड है वो, और नॉन मॉड्यूलर में इसका आपको यूज दिखेगा। वेरी फेवरेट क्वेश्चन, लाइसीमीटर वेपर ट्रांसपिरेशन के लिए यूज होता है। ये फील्ड मेथड है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, बाकी इवेपोट्रांसपिरेशन फाइंड करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, बहुत सारे मेथड भी हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला भी है, थ्योरेटिकल फॉर्मूला भी है, बट लाइसीमीटर क्या, इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। व्हाट आर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ कैचमेंट एरिया एपेबिलिटी फॉर द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट हाइड्रोग्राफ की अपर लिमिट कितनी है, 5000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट लोअर लिमिट कितनी है, 200 किलोमीटर स्क्वायर। 200 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हेक्टेयर में है 200, जो कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 आ जाएगा, 20,000 हेक्टेयर नहीं है, ये मीटर स्क्वायर में है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन अपर लिमिट के लिए तो ये आएगा, लोअर लिमिट के लिए 200 किलोमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज यूज इन रिवर फ्लो मेजरमेंट। कौन सा मीटर यूज होता है, ये सारे मीटर यूज होते हैं। पिग्मी करंट मीटर, ये करंट मीटर का टाइप है, जो कि स्लो वेलोसिटी, अगर किसी वाटर की वेलोसिटी बहुत स्लो है, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, स्लो वेलोसिटी के लिए कौन सा टाइप का करंट मीटर यूज करते हैं, तो पिग्मी मीटर यूज करते हैं। तो ये सभी यूज होते हैं वेलोसिटी मेजर करने के लिए ही। कौन सी वेलोसिटी, पॉइंट वेलोसिटी, पॉइंट वेलोसिटी। पिग्मी मीटर क्या मेजर करता है, पॉइंट वेलोसिटी। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा आंसर 19 का डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर चैनल राउटिंग। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजर्वायर राउटिंग और चैनल राउटिंग का। रिजर्वायर राउटिंग के ये दो मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड है, और ये भी, लेकिन ये क्या मेथड है, ये है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। तो ये तीनों मेथड किसके हैं, रिजर्वायर राउटिंग के हैं, रिजर्वायर राउटिंग के। और मस्किंगम मेथड किसके लिए है, चैनल राउटिंग के लिए। तो ऊपर के तीनों जो है वो रिजर्वायर राउटिंग के लिए है, और नीचे जो मस्किंगम कौन सा, ये भी पूछते हैं, हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग। दो होते हैं, हाइड्रोलिक और एक होता है हाइड्रोलॉजिकल। तो हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग के लिए है मस्किंगम मेथड। पूछा गया कई बार कि हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, या फिर मस्किंगम मेथड कौन सा चैनल को राउट करता है। हाइड्रोलॉजिकल दे देगा ऑप्शन, हाइड्रोलॉजिक दे देगा ऑप्शन, हाइड्रोलिक दे देगा ऑप्शन। तो आपको हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग याद रखना है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, डेल्टा फाइंड करना है, ड्यूटी दिया हुआ है और क्रॉप पीरियड दिया हुआ है। तो हम सभी एक फॉर्मूला जानते हैं, ड्यूटी क्या होता है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो 864 आ जाएगा, और अगर मीटर में होता तो 8.64 आ जाएगा, बी डिवाइड बाई डी। यहाँ पे आपको डी फाइंड करना है, सभी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, फाइनल आंसर आएगा 120 मीटर। नेक्स्ट है, ब्लेनली ग्रेडल क्रेडल फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर।
ब्लेनिक क्रेडल फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है? देखिए, ब्लेनिक क्रेडल फॉर्मूला जो है वो बेसिकली उसका मेन काम क्या है, पीईटी फाइंड करना, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन फाइंड करके देता है। मतलब एक तरह से आप सिंपल भाषा में समझिए कि इवेपो ट्रांसपीरेशन ही फाइंड करके देता है जो यहाँ पे लाइसीमीटर काम कर रहा था, बट इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूले के बेस पर फाइंड होता है और कुछ नहीं। तो ये पीईटी फाइंड करने के लिए क्या मतलब है, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन, रिजर्वॉयर इवेपोरेशन नहीं, इवेपो ट्रांसपीरेशन। दूसरा किस में काम आता है, कई बार ये भी पूछते हैं, तो ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के लिए भी यूज में आता है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप कैसे फाइंड करते हैं, तो वाटर रिक्वायरमेंट किसके बराबर होता है, पीईटी माइनस रेनफॉल, पीईटी माइनस रेनफॉल। इन दोनों में से यहाँ पे कोई भी नहीं है, एस्टिमेशन ऑफ ग्राउंड रिचार्ज भी नहीं है, तो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा डी, 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ अ रिवर इज 2 मीटर और स्लोप दे रखा है 0.001, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल ऑन द बेड। यहाँ पे बेड के लिए पूछा है, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, बेड के लिए क्या होता है, टाउ नॉट शुड बी ग्रेटर देन टाउ सी, फॉर्मूला हम जानते हैं। और अगर बेड के लिए पूछा है तो टाउ सी की वैल्यू क्या होती है, गामा डब्ल्यू इंटू जी डिवाइड बाई 11। ठीक है, इसको हम इक्वेट कर देंगे, डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 आर एस, बस यहाँ पे पुट कर दो। डी की वैल्यू यहाँ पे अननोन है हमारे लिए, आर की वैल्यू कितनी है 11 टाइम्स, आर कितनी है 2, स्लोप कितने 0.001, जब ये फाइंड करोगे आप तो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी आपको 2.2, बट यहाँ पे अबाउट पूछा है तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होता है यहाँ पे। ठीक है, बट एग्जैक्ट आंसर तो आता है 2.2, बट विदाउट कैलकुलेटर अगर हम देखें तो 2.36 इसके नियरेस्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अ नेचुरल रिवर कन्वेइंग फ्लो डिस्चार्ज गिवन है यहाँ पे इतना क्यूबिक, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेटेड पेरीमीटर, तो लेसिस फॉर्मूला हम जानते हैं, वेटेड पेरीमीटर के लिए 4.75 इंटू अंडर रूट क्यूब, 25 इसका हो जाएगा अंडर रूट 50 मल्टीप्लाई बाय 4.75, ये की आंसर होगा 237.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉमनली यूज्ड फॉर स्पेसिंग डिजाइन ऑफ टाइल ड्रेनेज सिस्टम, तो टाइल ड्रेन की स्पेसिंग के लिए कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन यूज होता है, ये होता है फुगॉट इक्वेशन। ठीक है, फुगॉट इक्वेशन यूज होता है, और दूसरा कौन सा होता है, यूएसबीआर फॉर्मूला भी है हमारे पास, ये दोनों यूज होता है टाइल ड्रेन की स्पेसिंग को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है, ग्राउंड वाटर फ्लो इज एनालाइज्ड बाय यूजिंग, ये बहुत सिंपल है, डार्सी लॉ क्या कहता है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू के टाइम्स आई, अगर यहीं पे डिस्चार्ज लगाएंगे तो के ए आई हो जाएगा, यह डार्सी लॉ याद रखिए। डार्सी लॉ ग्राउंड फ्लो के लिए, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गया तो, मतलब ये सुपर क्रिटिकल हो गया, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मतलब टर्बुलेंट हो गया, अगर 1 से ग्रेटर है तो टर्बुलेंट, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए लेस देन 1 है तो लेमिनार, और अगर 1 है तो ट्रांजिशन के फेज में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेसिस सिल्ट फैक्टर पूछा है यहाँ पे, तो लेसिस का सिल्ट फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, 1.76 इंटू अंडर रूट टी इन एमएम, तो वहां पे 76 से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा टी। नेक्स्ट है, आर्मोरिंग इज डिफाइंड एज, देखिए इसका मुझे कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है कि आर्मोरिंग बेसिकली क्या होता है, कि सी शोर पे जो एम्बैंकमेंट होता है उसको स्ट्रेंथनिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे तरफ से जो आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ए है, बट मैं पहले कह रहा हूँ इसका आंसर हो सकता है कि कुछ और हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसका आंसर पे मेरे को भी डाउट है। सो 28th का क्वेश्चन हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, बट आर्मोरिंग का बेसिक मीनिंग होता है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट को हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं सी शोर पे बेसिकली, जो सी के वेव्स हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरल मोबाइल बाउंड्री, दो प्रकार के बाउंड्री होते हैं, रिजिड बाउंड्री जिसमें सिर्फ डेप्थ वेरी करता है, और मोबाइल बाउंड्री, तो अगर रिजिड बाउंड्री हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा सिर्फ 1, मतलब डेप्थ, और अगर मोबाइल बाउंड्री है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 4। ठीक है, 4 में कौन कौन सा, पहला हो जाएगा डेप्थ, दूसरा हो जाएगा बेड विड्थ, तीसरा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, और तीसरा हो जाएगा प्लानिंग फॉर्म, मतलब लेआउट डिपेंडिंग अपॉन टाइम एंड स्पेस, ये सब वेरिएबल है, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 4 है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट अल्टरनेट डेप्थ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डीपली पूछा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही आप जवाब दे सकते हैं। अल्टरनेट डेप्थ दो होते हैं, एक होता है अल्टरनेट डेप्थ, एक होता है सिक्वेंट डेप्थ। अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है, जब हम स्पेसिफिक एनर्जी फाइंड करते हैं तो फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी दो डेप्थ मिलता है हमें, एक डेप्थ यहाँ पे और एक डेप्थ यहाँ पे, सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे, एक मिलता है सब क्रिटिकल रीजन पे और एक मिलता है सुपर क्रिटिकल रीजन में, तो
तो ये दोनों डेप्थ के आपस में क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट डेप्थ, अल्टरनेट। और सिक्वेंट डेप्थ क्या होता है, सिक्वेंट डेप्थ होता है पोस्ट और प्री जंप, मतलब जंप से पहले का डेप्थ और जंप के बाद का डेप्थ। तो वाई वन और वाई टू को बोलते हैं हम सिक्वेंट डेप्थ। और ये वाई वन वाई टू किससे रिलेटेड होता है, स्पेसिफिक फोर्स से, स्पेसिफिक फोर्स से रिलेटेड होता है, जबकि ये अल्टरनेट डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। यही क्वेश्चन पूछा है कि अल्टरनेट डेप्थ रिलेटेड टू स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन, वेर एज सिक्वेंट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन, जो कि ये जंप में आपको मिलता है वाई वन वाई टू। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है क्या कह रहा है कि एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम एंड द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। बिल्कुल सही, क्रिटिकल डेप्थ पे दोनों ही मिनिमम होता है, क्योंकि दोनों का डायग्राम आप देखो तो ऐसा ही होता है, बट ये नहीं है कि दोनों इक्वल होता है, क्योंकि दोनों का इक्वेशन अलग अलग है। ये है स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें, स्पेसिफिक एनर्जी, और ये है स्पेसिफिक फोर्स की बात करें, तो दोनों मिनिमम होता है जरूर, मिनिमम क्रिटिकल डेप्थ पे या फिर क्रिटिकल फ्लो पे, बट दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होता, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल का भी दिया हुआ ऑप्शन। नेक्स्ट है 32nd, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म फ्लो पूछने का तरीका बहुत अच्छा है। यूनिफॉर्म फ्लो कब बोलते हैं, जब डिस्टेंस के साथ फ्लूड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, मतलब डिस्चार्ज वेलोसिटी ये सब कुछ सेम है, डेंसिटी ये सब कुछ सेम है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। और यूनिफॉर्म फ्लो अगर है तो उसमें जो डेप्थ मिलता है उसको बोलते हैं नॉर्मल डेप्थ। तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये है यूनिफॉर्म फ्लो के लिए लाइन। तो इसमें जो सबसे ऊपर है एनर्जी ग्रेड लाइन, जो कि वी स्क्वायर अपॉन टू जी के इक्वल होता है वाटर सरफेस से, एनर्जी लाइन, वाटर सरफेस लाइन और बॉटम स्लोप लाइन, ये तीनों एकदम पैरेलल होते हैं, एडजेक्ट पैरेलल के मीन्स इसका स्लोप और इसका स्लोप, ये आपस में तीनों का स्लोप बराबर होता है, स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, अब आंसर क्या बोल रहा है कि तीनों का स्लोप इक्वल है, ये तो नहीं होगा, ये इनफाइनाइट वाला भी नहीं होगा। और ये तीसरा चौथा ऑप्शन में क्या कंफ्यूजन है कि ये तीनों बता रहा है इसमें तो इक्वल है, इसमें बता रहा है कि ये बराबर होता है कांस्टेंट के, नहीं कोई कांस्टेंट नहीं होता, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, हम जो भी स्लोप रखेंगे मतलब इन तीनों का जो भी स्लोप होगा वो इक्वल इक्वल होगा हमेशा। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि तीनों का स्लोप इक्वल होता है। नेक्स्ट है फॉर ओपन रेक्टेंगुलर चैनल फ्राउड नंबर एट क्रिटिकल फ्लो। हम जानते हैं कि फ्राउड नंबर हमेशा क्रिटिकल फ्लो पे कितना होता है, वन के बराबर। अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो कौन सा फ्लो है, ये है सुपर क्रिटिकल फ्लो, मतलब डेप्थ कम है क्रिटिकल डेप्थ से। और अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू लेस देन वन है मतलब सब क्रिटिकल फ्लो, मतलब डेप्थ जो है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है। तो 33 का हो गया सी। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर ओपन चैनल हैविंग बेड विड्थ 2 मीटर लेड एट अ बेड स्लोप ऑफ। यहाँ पे 2 मीटर का आपको बेड स्लोप दिया हुआ है, बेड विड्थ दिया हुआ है, बेड स्लोप दिया हुआ है आपको -0.009 एंड कैरीज अ, देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्लोप मतलब एडवर्स स्लोप दिया हुआ है आपको, एंड कैरीज अ फ्लो डिस्चार्ज भी गिवन है, व्हाट इज द नॉर्मल डेप्थ। देखिए नॉर्मल डेप्थ निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैनिंग्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, चेजीज फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो जनरली जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करने को नहीं बोला है, फाइंड कर सकते हैं या डेटा मिसिंग है ये पूछा है। देखिए आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको फाइंड करने को बोला जाए तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू, मतलब आप कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मतलब अगर आप मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में के इंटू अंडर रूट एस, और ये मैनिंग्स फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। अगर चेजीज फॉर्मूला यूज करोगे दोनों में फॉर्मूला सेम होता है, बस दोनों में के की वैल्यू अलग है। अगर आप मैनिंग्स फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/n a रेस्ट a इंटू r रेस्ट पावर 2/3, और अगर आप चेजीज फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो के की वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन अंडर रूट एस। अब ये के की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, क्यू अपॉन अंडर रूट एस, मतलब डिस्चार्ज गिवन है, स्लोप गिवन है, तो आप के की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट जब आप एस यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो अंडर रूट एस में क्या है, यहाँ पे माइनस, तो स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो जब आप अंडर रूट में आप यहाँ पे नेगेटिव डालोगे तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कोई आंसर नहीं देगा क्योंकि ये एडवर्स स्लोप है। ठीक है, एडवर्स स्लोप है तो ये यूनिफॉर्म फ्लो हुआ ही नहीं, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं हुआ, या फिर मतलब ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है इट नीड्स कैलकुलेटर फॉर डूइंग कैलकुलेशन, कैलकुलेटर कोई सवाल ही नहीं है, हमने पहले ही देख लिया क्योंकि माइनस वैल्यू है। मेनी डेटा आर मिसिंग, नहीं डेटा मिसिंग की भी बात नहीं, डेटा जो हमें दिया उससे हमें पता लग रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यूनिफॉर्म फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द चैनल। अब ये है सही आंसर क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि निगेटिव एडवर्स स्लोप है।
नेक्स्ट है द इक्वेशन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें फॉर्मूला ही बताना है। तो वाई टू अपॉन वाई वन का फॉर्मूला बताना है। वाई टू अपॉन वाई वन क्या होता है? वाई टू अपॉन वाई वन इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस वन प्लस वन प्लस एट एफ आर स्क्वायर। याद रखिए एफ आर की वैल्यू कौन सी होगी? जो नीचे में है, ठीक है, का अंडर रूट। बस ये ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। y2 टू अपॉन वाई वन माइनस वन प्लस, यहाँ पे जो वन है वो यहाँ पे वन नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशन। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के लिए स्लोप का इक्वेशन है dy बाई dx है। तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड हो गए। अब बचता है कि s नॉट माइनस sf है या sf माइनस s नॉट है। बेड स्लोप माइनस एनर्जी ग्रेडियंट स्लोप है, एनर्जी का ग्रेडियंट है, या फिर एनर्जी ग्रेडियंट स्लोप माइनस बेड स्लोप है। तो ये होता है s नॉट माइनस sf, s नॉट माइनस sf। सो आंसर हो जाएगा 36 का ए। 37 पे चलते हैं। इक्वेशन फॉर क्रिटिकल फ्लो बाय यूजिंग यूजुअल नोटेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या होता है इसके लिए? क्रिटिकल मतलब जब हमें क्रिटिकल डेप्थ निकालने हैं तो q स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू ए क्यू बाई टी। इसको आपको अरेंज कर लेना है एक साथ, तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर टी डिवाइड बाई जी ए क्यू इज इक्वल टू वन। और ये कौन सा कंडीशन है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 38 का। द मोस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन इज द वन। सिंपल सा है। मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन किसको बोलते हैं? जो लीस्ट वेटेड पैरामीटर प्रेजेंट करे, हैविंग मिनिमम वेटेड पैरामीटर फॉर द गिवन फ्लो ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ कैरिज वे रिकमेंडेड बाई आईआरसी फॉर टू लेन रोड विद रेज्ड कर्व। सिंगल लेन रोड के लिए 3.75, टू लेन के लिए 7 मीटर और 7.5 मीटर। तो 7 मीटर किसके लिए है? 7 मीटर है विदाउट रेज्ड कर्व के लिए, और 7.5 मीटर किसके लिए है? विद रेज्ड कर्व के लिए। तो यहाँ पे पूछा है विद रेज्ड कर्व, तो 7.5 मीटर। और अगर मल्टीपल लेन है तो 3.5 मीटर पर लेन, 3.5 मीटर पर लेन। तो ये हो गया, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है व्हाइल अलाइनिंग अ रोड ऑन अ हिली एरिया, रोलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ 6.5%, हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस दिया हुआ 60 मीटर, कहता है कंपनसेटेड ग्रेड फाइंड करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कंपनसेटेड ग्रेड के लिए क्या होता है। ग्रेड कंपनसेशन कैसे फाइंड करते हैं? 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर। और मैक्सिमम ग्रेड कितना होता है? मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन जितना हम कर सकते हैं वो होता है 75 अपॉन आर। यहाँ पे आर कितना है? 60। अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना रिड्यूस कर सकते हैं? 1.25%। अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो ये आता है 1.5%। तो एक्चुअल ग्रेड कंपनसेशन कितना है? 1.5%, लेकिन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? 1.25%। तो 1.25 ही हम कंपनसेट करेंगे, तो 1.25 कर दो माइनस किस में से? 6.5 में से। तो क्या आ रहा है आंसर? आ रहा है बी, 6.5.25, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन यही होगी, बहुत लोग गलती कर देंगे कि सीधा ये वैल्यू फाइंड करके 1.5 यहाँ से माइनस कर देंगे, 5 पे टिक करके आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू से चेक करनी है, मैक्सिमम वैल्यू का फिर यूज ही क्या हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द पीसीयू वैल्यू फॉर द बुलकॉट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ आईआरसी। पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है कि सभी कार की वैल्यू लोडिंग वैल्यू अलग अलग होती है, सभी को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्म में पीसीयू बनाया गया, पैसेंजर कार यूनिट। अब देखिए यहाँ पे पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू मैं आपको इधर दिखाता हूँ। पैसेंजर कार के लिए वन होता है हमेशा, रिक्शा एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर ये सब वन में आता है। बस ट्रक वगैरह कितने में आते हैं? 3 में आता है। मोटरसाइकिल स्कूटर पेडेस्टल 0.5 में आता है। रिक्शा जो होता है साइकिल रिक्शा उसका पीसीयू होता है 1.5। हॉर्स ड्रिवन व्हीकल का 4, स्मॉल बुक कार्ट एंड हैंड कार्ट 6 में आता है, और लार्ज बुल कार्ड किस में आता है? इसकी पीसीयू वैल्यू होती है 8। तो इसमें 8 आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो 41 का हो गया बी। नेक्स्ट है 42। वन पैसेज ऑफ एन ओवरलोडेड व्हीकल 3 टाइम्स कह रहा है कि स्टैंडर्ड लोड है। स्टैंडर्ड लोड कितना है? अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 8170, बट हम इसको 80 किलो न्यूटन लेके चलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1 एक्सएल का, स्टैंडर्ड एक्सएल लोड 8170, बट हम 80 किलो न्यूटन लेके चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि डैमेज फैक्टर बताइए। तो जब भी अगर स्टैंडर्ड एक्सल लोड से ज़्यादा हो किसी भी एक्सल का लोड, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट लोड फैक्टर में। तो इक्विवेलेंट लोड फैक्टर एक्सल लोड फैक्टर हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि जो भी एक्सल का एक्चुअल लोड है, तो 3 टाइम्स बोल रहा है, तो 80 × 3 मतलब 240 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एक्सल लोड मतलब 80 रेज टू पावर 4। तो सिर्फ यहाँ पे आपको पावर याद रखना है, पावर कितना है? 4 है। तो 3 टाइम्स बोल रहा है, 3 का पावर 4 कर देते हैं तो भी हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको भी वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा आंसर? 81। सो आंसर हो जाएगा 81। सो ये हो जाएगा व्हीकल डैमेज फैक्टर VDF, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ सर्कुलर लोड ऑफ रेडियस ए और आर जो भी है विद अ यूनिफॉर्म प्रेशर पी अप्लाइड इन द सरफेस ऑफ होमोजीनियस लेयर, वर्टिकल स्ट्रेस कितना होगा? यहाँ पे सर्कुलर लोड है तो
आप लोगों ने अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन पढ़ा होगा तो वर्टिकल स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। आंसर ये सिंपल सा है फॉर्मूला, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? बुसिनेस्क इक्वेशन से। बुसिनेस्क इक्वेशन जो वर्टिकल स्ट्रेस आपको सॉइल मैकेनिक्स ने दिया था वहीं से। यहाँ पे क्या है, क्यूब याद रखना है आपको, इन दोनों के साथ साथ स्क्वायर है और यहाँ पे 3/2 है, याद रखना है। चलिए समय कम होने की वजह से मैं आपको यहाँ तक अपलोड कर देता हूँ, मैं कल सुबह इसके आगे के क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत काम है अभी। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा आप लोग लिखिए, आप लोग इतना क्वेश्चन मैच कीजिए, 43 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बाकी है, मैं कल सुबह सुबह अपलोड कर दूंगा। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।